हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पाव भाजी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पाव भाजी बनाना। पाव भाजी बनाने के लिए ये हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 गाजर को मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 चुकंदर को टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये मैंने गोभी का फूल लिया है, इसको भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। आधी मैंने घिया ली है, घिया को भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। 4 मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे घिया डाल सकते हैं, आपको जो सब्जियां पसंद हैं वो पाव भाजी में डाल सकते हैं। मुझे ये सब्जियां पसंद है तो मैं ये डालूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाव भाजी बनाना। कुकर लिया है, अब मैं कुकर में ऑयल डालूंगी। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं जीरा डाल दूंगी। भाजी को पहले मैं सब्जी की तरह बनाकर तैयार करूंगी। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर डालूंगी। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल दूंगी। और 1/2 चम्मच मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ। और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसके अंदर ये आलू भी डाल दूंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसमें ये चुकंदर, गाजर और ये घिया डालूंगी मैं, और ये गोभी भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काटी हुई है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब मैं इसमें ये 1 गिलास पानी डाल दूंगी। बंद कर दूंगी और 3 सीटी इसमें लगा लूंगी। ये हमारे कुकर में 3 विसल आ चुकी है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और स्टीम निकलने तक हम इंतजार करेंगे। जब तक ये हमारी स्टीम निकलती है तब तक हम भाजी का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है और 1 कढ़ाई गैस पे रख दी है। ये मैंने 3 बड़े प्याज को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 शिमला मिर्च ली हैं, इनको भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं कढ़ाई के अंदर ये बटर डाल देती हूँ और बटर के साथ ही मैं ये प्याज डाल दूंगी, जिससे कि बटर से धुआं नहीं होएगा, जलेगा नहीं हमारा बटर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमारा बटर पूरे अच्छी तरह से पिघला नहीं है। और इसे मैं भून लूंगी अच्छे से प्याज को। और इधर हमारी ये कुकर की स्टीम हो चुकी है। हमारी सब्जियां देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। अब मैं सब्जियों को अच्छे से मैश कर लूंगी। मैं मैशर की मदद से मैश करूंगी सब्जियों को। ये हमारी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इतने बढ़िया से मैश हुई है सब्जियां। और इधर हमारे ये प्याज भी भुन चुके हैं। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसे ये शिमला मिर्च डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें
थोड़े से मसाले ऐड करूंगी, आधा चम्मच में इसमें से फिर से देखिए मिर्च डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेना। ये हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है, प्याज और शिमला मिर्च। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला डालूंगी, ये मैं एक चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ये सब्जी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैंने ये कुकर को धोके थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे अब मैं ढक के एक से दो मिनट तक पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं, एक मिनट हो चुका है और ये हमारी भाजी कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं उतार के एक साइड में रख दूंगी। और ये मैंने एक तवा लिया है और ये मैंने पाव लिए हैं, पाव को मैं इस प्रकार से बीच में से तोड़ूंगी और इसे मैं बीच में से कट कर दूंगी। देखो तक हमारा ये तवा गर्म होता है, मैं भाजी को एक प्लेट में सर्व करूंगी। तवे पर थोड़ा सा बटर लगाऊंगी और पाव को सेक लूंगी। और थोड़ी सी मैं इस पे ये पाव की भाजी लगा दूंगी। और ये हमारे पाव कितने बढ़िया से सिक कर तैयार हुए हैं, प्लेट के अंदर सर्व करूंगी। अब मैं भाजी पे थोड़ा सा बटर डाल दूंगी और पाव के ऊपर भी मैं बटर लगा दूंगी। और ये हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।